दोस्तों मेरा नाम है पीयूष और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। तो फिलहाल बज रहे हैं 1:30, तारीख है आज 12 जुलाई 2022। तो हम जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ सतना। निर्विकार हेलो करो जनता को, हमारे साथ चाय पी लो। ये देखिए कितना बढ़िया है, सोलर पावर्ड है ये। तो जब तक धूप रहती है, दिन रहता है, तब तक ही घूमता रहता है, अंधेरे में एकदम बंद ये देखिए छाया आते ही अपने आप ही बंद हो जाता है, हटाओ हाथ और धूप आते ही देखिए तुरंत शुरू हो गया। बढ़िया लगता है ये, घूमता रहता है। तुम भी खरीद लो यार एक ठो मोटरसाइकिल है, फिर चलते हैं राम सेतु बाइक पे, समझे। उल्टा साइड से चला रहा है, तो स्पीड भी देखो कम नहीं की है, उसाला मारा है और बहुत गंदा ठोका है। क्या होगा उससे, मेरा सडनली पैसा पड़ जाएगा। ये बड़ा बढ़िया लग रहा है, हाँ ये थोड़ा ऐसा पहाड़ी का, वही बोल रहे हैं ये थोड़ा बड़ा बढ़िया लग रहा है, स्पॉट टाइप टूरिस्ट स्पॉट। यह तुम्हारा अच्छा है यार, घूमे पड़ा है तब से। बिरला जो ये है तो ये नहीं, बिरला अल्ट्रा टेक है शायद। लोग ने सिर्फ किसी के ना गिर जाए कभी उससे, तो ये लगा दिया। हाँ सही बात, सेफ्टी के लिए। वो देखो मेरी उंगली की तरफ उधर। अच्छा इडली हट नाम है, अच्छा नाम है। प्रयास नहीं किया। रियो वाले अलग ही दिख जाते हैं। MP17 है देखो, फुटपाथ में गाड़ी खड़ी की है, बाकी लोग फुटपाथ के पहले खड़ी की है और ये फुटपाथ में खड़ी की है। ये है जावा, खड़ी तो है यार गाड़ियां काफी। ये अच्छा शोरूम दिख रहा है, कहाँ लगाइएगा। देखो एडवेंचर हिमालयन टाइप ही थोड़ा दिखती है, एडवेंचर है। हाँ ये तुम्हारी फेवरेट रोडस्टर। ये पेट्रोल, कहीं अगर लॉन्ग राइड में जा रहे हो अलग से। हाँ अच्छा ब्लूटूथ भी है, नेविगेशन इसमें दिखता है। वाह ये चाबी दीजिएगा ना, क्रोम है। ये ब्लैक ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। हाँ वो तुम्हारे ऊपर अच्छी लगेगी बाइक, ऐसा नहीं बोल रहा वैसे मैं। मीटर भी बहुत अच्छा है इसका, सीट लेकिन मीटी और से छोटी है। और इसमें वो भी दिया है जो रॉयल एनफील्ड में नहीं दिया रहता, लिक्विड कूल्ड है। ये बढ़िया लग रहा है यार, चले हो गया वापस, अब वापसी। चलो अब डोसा खाते हैं सपना कॉफी हाउस में। प्लेन डोसा कुरकुरा होता है उसमें, वो तो रहता नहीं आलू, कुरकुरा रहता, तो वो चीज हमें बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो उसके चारों तरफ का पांडे, कहाँ है पांडे, पांडे कब चक्कर, पांडे जी का खुरजन मुंडा। चले रहा भैया, हर हर महादेव, ताजा स्पेशल खुरजन त्रिपाठी, ताजा खुरजन माँ दुर्गा स्पेशल, ताजा खुरजन पटेल, ताजा खुरजन महिमा पटेल, ताजा खुरजन त्रिपाठी, खुरचन त्रिपाठी। ये रहा खुरचन, हमारे निरकार पांडे लग गए खाने में भी। है कैसा
एंजॉय है, एंजॉय है कि नहीं है? चलो देखो क्या होता है कि जो जनता होती है ना वो पिसने और दबने के लिए होती है, ये आदिकाल से चला आ रहा है। और अगर आप सोचते हैं ना कि आप इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे या आप उस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, आप जिसको भी लेके आएंगे वो अंत में यही करेगा, समझे? तो दो टाइप के लोग होते हैं भाई दुनिया में, एक जो राज करते हैं और एक जिनके ऊपर राज होता है, जो वही है कि जो गुलाम होते हैं अपनी कैटेगरी बदल के। आज भी जनता गुलाम ही है। देखो इन लोग का तरीका है, जनता को एंटरटेनमेंट दो, जनता को दारू दो, जनता को क्रिकेट दिखाओ साल के 365 दिन, जनता को पैसे खर्च कराओ, जनता को ईएमआई में फंसाओ, लोन में फंसाओ, घर में फंसाओ, और ये एक तरह से मानसिक गुलाम बनाओ और उनपे राज करो। जनता 50,000 खुश भी होते हैं, इसको देख लो, आ जाओ तुम सामने पहुड़ जाओ, गजब है हो यार, यहाँ इतना वो इसको बैठाओ इसको भी सुनाते हैं फालतू दौड़ रहा है तो हैं। और वहां पे भाई साहब सोचो 10 रुपए चोरी करने वाला चोर कहलाता है और यहाँ हजारों करोड़ चुराने वाले बिजनेसमैन कहलाते है, ये सर कहलाते हैं, लोग इनको साहब बोलते हैं, लोग इनकी वो करते हैं, चापलूसी करते हैं, हैं? दिन का 300-400 रुपए कमाने वाला आदमी जो है ना उसको इज्जत नहीं मिलता है ईमानदारी से, लेकिन जो ये जो देश लूटे ले रहे हैं, ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हैं? इनको सर बोलती है पब्लिक, इज्जत देती है, इनको बढ़िया गर्व समझती है, अगर इनके पैर धोना इनके पैर पड़ना पब्लिक गर्व की बात समझती है, किनकी? ये जो भ्रष्टाचारी हैं, ये जो लूट रहे हैं, लूट मचाए हैं। तो बाकी कुछ नहीं बदले, कोई भी पार्टी आएगी वही होना है। अरे जो मनीष भैया हैं उनका एक डायलॉग बहुत बढ़िया है, ये दो पैर वाला जानवर जहां रहेगा वहां नरक करेगा, ये डायलॉग वास्तव में बहुत सही है। पूरे दुनिया में सब कुछ सही चल है, सब कुछ सही, सिर्फ एक चीज गलत है, गड़बड़, जिसने सब आग लगा के रख दिया, नरक मचा के रखा वो इंसान। ये कौन सी, ये देखिए ये हमारे रीवा का जुरासिक पार्क, ये सब अलग अलग प्रकार के डायनासोर, ये ब्लू, हाँ क्या बोल रहे थे, पहली बार इससे पहले जीटी नहीं चलाया हो ऐसा, चलो जाओ शुभम पांडे तुम, लेकिन आज फ्रॉड गिरी करे हमारे साथ, चलो आओ देख देखिए फिर तुम्हारा हम रिव्यू लेंगे। आज तक तुमने कॉन्टिनेंटल जीटी चलाई ही नहीं है, अब कौन सी, अच्छा 535 सोफा है। आज से लगभग 10 साल पहले जब हमारे पास पल्सर 220 थी तो ये लड़का मेरे सामने से निकलता था सनसनाता हुआ, मैं मन ही मन इसको बहुत गाली देता था कि यार क्या होगा आगे आने वाली जनरेशन का, ऐसे लौंडे रहेंगे तो, मतलब ये रॉकेट था, इसके पास पल्सर 220 थी, ड्यूक वो थी, KTM भी थी, दाढ़ी रख ली है तो हम इसको पहचान नहीं पाए, मतलब ये सनसनाते उड़ता था। और आज दुनिया बोले, इतने दिन जानने के बाद आज मुझे पता लगा कि वही लड़का है, और ये मुझे तब पता लगा था कि इसकी गाड़ी आई थी, एक्सीडेंट इसने कर दिया था, और आज इसने मुझे बताया, तभी इसका हाथ, इसके हाथ से आवाज आती है, माइक्रोफोन में देखो नहीं आएगी, इतना भी उसमें नहीं आएगी। मैं किसी दिन जो डॉक्टर्स का स्टेथोस्कोप वो लेके आऊंगा, फिर मैं इसका रिकॉर्ड करूंगा, आवाज ऐसे ऐसे करता, इसका हार्ट टूट गया था। अब इसको अगर मुझे पहले पता होता तो मैं डरता कॉन्टिनेंटल देने में, मतलब आज तक आप इन्हीं के सामने इन्हीं बुराई कर रहे थे बिना जाने, है ना? मुझे पता ही नहीं था। ये वही है, आप समझ में, ये बहुत खतरनाक लड़का था, मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, ये मेरे सामने से लगता था घुसेड़ देगा अपनी गाड़ी में, तो कैसा लगा तुमको चला के? इनका नाम हमेशा भूल जाता हूँ, हमेशा भूल जाता हूँ, 2-2.5 साल से इनको जानता हूँ, नाम भूल जाता हूँ। हिंट दीजिए आप, मैं हिंट देता हूँ, आप गेस करिएगा। हाँ जो आपका आर से स्टार्ट होता है, आर के बाद जो हीरो का नाम आता है,
आर माधवन। अरे नहीं भाई, आर माधवन आपका अभी रिसेंटली मूवी आई शाहिद कपूर हीरो रहता है उसमें, साड़ी के बहुत सा गाना रहता है राजकुमार। अरे तिरंगा मूवी में जो हीरो था, अब ऐसा बोल रहा है जानी राजकुमार, तो आपने इसमें भी आर के लिखाया है ना। चले बाय, ठीक है जानी, अब मेरे को याद रहा करेगा, अब याद रहेगा। अरे नहीं वो गेंडा स्वामी, हमने फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए है। ये फ्यूज कंडक्टर, ये हमारी बाइक का फ्यूज कंडक्टर ना निकालिए है। चलो चले बाय। ये रॉयल एनफील्ड के स्टिकर्स में अपने बाइक में तो नहीं लगाता हूँ, बट अपने हेलमेट में लगाना चाहता हूँ। नया हेलमेट लूँगा उसमें लगाऊँगा। कितना भयानक पसीना निकल रहा है। यहाँ वीडियो बनाते टाइम में पंखा नहीं चलाता, बहुत तेज़ शोर करने लगता है, बहुत तेज़ हवा मारता है। तो चलो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, क्योंकि कल वोट डालने जाएंगे हम और गौशाला घोटाले के विषय में, और हम इस बार बीजेपी को क्यों नहीं वोट देंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड डे, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।